अगलों का जबरदस्त फंडा है बरादरी में, अपने से बड़ा नेता नहीं देखना चाहते, अपने से बड़ा नेता नहीं देखना चाहते किसी को। मैं कई दिन से बगावत के सुर अलाप रहे जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम को विधानसभा में पार्टी नेता एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया है। गौतम के वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए पार्टी हाईकमान ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। 2 सप्ताह के भीतर उन्हें स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राम कुमार गौतम पहले से ही पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान गौतम ने भाजपा नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराया था। मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा गौतम ने करीब 1 माह पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद से ही गौतम दुष्यंत चौटाला व उनके परिवार की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच राम कुमार गौतम का एक वीडियो वायरल होने के बाद जजपा नेतृत्व ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी स्पष्ट करने के लिए जजपा के महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ के अनुसार गौतम का 15 दिन के भीतर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा गया है। आरोप है कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी की है। दूसरी तरफ इस बारे में संपर्क करने पर राम कुमार गौतम ने किसी तरह का नोटिस मिलने से इनकार करते हुए कहा कि जब नोटिस मिलेगा तब देखा जाएगा। जजपा विधायक राम कुमार गौतम का 4 दिन पहले हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। यह वीडियो विधानसभा लॉबी का है। इसमें कई विधायक और मंत्रियों के बीच बैठे गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिए बगैर दोहराया कि रिश्तेदारी के कारण मेरा नंबर नहीं लगा। उन्होंने दुष्यंत पर टिप्पणी करते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्म का उदाहरण देकर कहा था कि अकेला 10-10 विभाग ले रहा है। ये तो वही हाल हुआ कि खावे गोते, हमने पार्टी बनाई है, हमने पार्टी खड़ी की है और आज हम ही किनारे लगा रखे हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।